हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राई एंड रिपीट ये क्वेश्चन मुझे इंस्टा पे डाउट आया था इनमें उन्होंने जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा है कैश अकाउंट परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट और थर्ड उन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहा है तो ये हमें कुछ ट्रांजेक्शंस गिवन है तो वन बाय वन पहले हम इनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहला है मिस्टर जीवन स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज़ तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो फर्स्ट एंट्री विल बी यहाँ डेट नहीं गिवन है इसलिए मैं नंबर मार्किंग कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये पहली ट्रांसैक्शन का है तो हमारी एंट्री आ जाएगी कैश आई है हमारे पास सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट सो दिस विल बी योर एंट्री फिर आप निरेशन लिखेंगे बींग बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज फिफ्टी थाउजेंड बींग जनेस स्टार्टेड विथ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड दोनों साइड पे सेम अमाउंट आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड इधर एंड फिफ्टी थाउजेंड इधर सो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री आगे सॉल्व करने से पहले मैं कहूँगी अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप इंस्टाग्राम फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपकी वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी सो नाउ द सेकेंड एंट्री इज परचेज अ बिजनेस फॉर रुपीज़ वन लैक फिफ्टी थाउजेंड तो दिस इज योर बिजनेस परचेज तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड फिर उसके बाद है साइंड अप्रोमिजरी नोट विथ बैंक इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज ऑर्डरेशन आपकी आ जाएगी बींग बिजनेस परचेस्ड उसके बाद थर्ड एंट्री है आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन गिवन है साइंड अ प्रोमिजरी नोट विद अ बैंक इन एक्सचेंज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड उनसे लिए हैं और आपने एक प्रोमिजरी नोट उनको साइन किया है तो इसकी एंट्री आपकी आ जाएगी आपके पास कैश आई है कैश अकाउंट सॉरी दिस इज यू हैव साइंड अ प्रोमिजरी नोट विद बैंक यू कैन राइट हर बैंक ऑल्सो ठीक है तो मैंने यहां पर कैश ही लिख दिया है आप इसको बैंक में भी ट्रीट कर बैंक में ही ट्रीट करें टू नोट पेबल अकाउंट टू नोट पेबल अकाउंट सी और इसका अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड बीक Promissory note signed. Promissory note signed in exchange of rupees fifty thousand. Then next is next entry will be D. That is paid rent. And when we pay rent, the entry will be rent account debited to cash account. ठीक है तो आपने रेंट पे किया है ठीक है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड मैंने यहाँ पे ये वाली जो एंट्री है वो कैश के साथ करी है आप बैंक के साथ करेंगे मैं इसको कैश अकाउंट में ही करूँ आप अलग से बैंक अकाउंट में शो कर सकते हैं मैंने कैश अकाउंट में ही इसको लिया है फिर उसके बाद है लास्ट इज नहीं इट इज सेकेंड लास्ट ई ई इज सोल गोल्ड रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड आउट ऑफ विच नाइन सिक्स डबल जीरो रिसीव्ड इन कैश आपने गुड बेचे हैं ठीक है तो क्या आएगा आपका कैश अकाउंट डेबिटेड ठीक है और उसमें से आपको इतने पैसे आए हैं जो बाकी नहीं आए हैं जो नहीं आए हैं हमें उस पर्सन का नेम नहीं गिवन है तो मैं यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को ही डेबिट कर रही हूँ टू सेल्स अकाउंट ठीक है जितने हमें आ गए हैं नाइन सिक्स डबल ज़ीरो टोटल ट्वेंटी फोर थाउजेंड था और इन दोनों को आप माइनस करेंगे डैटस ट्वेंटी फोर थाउजेंड माइनस नाइन सिक्स डबल जीरो इट विल बी वन फोर फोर डबल जीरो दिस विल बी ऑर सेकेंड लास्ट एंट्री अपना रेशन लिख सकते हो बीक गुड सोल्ड एंड नाइन सिक्स डबल जीरो रिसीफ फुल फ्लेज कर लिख सकते हो मैं स्पेस के कारण इतना ही मेंशन कर रही हूं एंड देन एफ एंट्री ऑफिस सप्लाई ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड ब्रॉड ऑन क्रेडिट तो इसमें उसने साफ ही लिख दिया है कि जो ऑफिस सप्लाईज हैं वो आपने क्रेडिट पर लिए हैं तो ऑफिस सप्लाईज हमारे पास आई हैं उनको आप डेबिट करेंगे अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्योंकि आपने क्रेडिट पर ली है बीक ऑफिस सप्लाइज परचेज ऑन परचेज ऑन क्रेडिट आई होप यहां तक आपको क्लियर है एंड इसका जो अमाउंट है वो भी लिख देते हैं दैट इज गिवन टेन थाउजेंड तो यहाँ पर टेन थाउजेंड आ जाएगा So, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई अब इसका सेकेंड पार्ट है उसे हमें कुछ अकाउंट कहे हुए हैं बनाने के लिए वो बनाएंगे तो सबसे पहले मैं कैश अकाउंट बनाने लगी हूं कैश अकाउंट तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं कैश अकाउंट का तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ करेक्ट कर रही हूँ क्योंकि बाद में बच्चों के डाउट आ सकते हैं तो यहाँ पर मैं बैंक ही ट्रीट कर रही हूँ आप भी कैश मत करें बैंक अकाउंट से ही करें क्योंकि ये नोट पेबल है तो बैंक ने पे किया है तो मे बी उन, उनका वो अकाउंट से ही होगा वो अकाउंट में ही डालेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड ही होगा टू तो नोट पेबल अकाउंट इसलिए इसको हम कैश में ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल तो वैसे आप पोस्ट करोगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट सो अमाउंट इज फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट यहाँ चला जाएगा ठीक है उसके बाद हमारा आता है बैंक बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश है ठीक है तो ये भी आ जाएगा बाय बिजनेस परचेज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो यहां पे लिख रही हूं बाय बिजनेस परचेज अकाउंट दैट इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद ये एंट्री बैंक में जाएगी तो इसको मैं बैंक में ही पोस्ट करूंगी ये है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश ठीक है तो यहां पे भी बाय रेंट टू थाउजेंड आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट टू थाउजेंड रुपीज हो जाएगा फिर उसके बाद है कैश अकाउंट डेबिटेड ठीक है दूसरा नहीं रिकॉर्ड करेंगे सिंपल कैश अकाउंट वाला लेंगे टू सेल्स करके नाइन सिक्स डबल जीरो टू सेल्स अकाउंट नाइन सिक्स डबल ज़ीरो फिर उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट ऑफिस ऑफिस सप्लाइज हैं क्रेडिट पे ली है तो ये भी हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा तो इस साइड का टोटल आपके पास आता है वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड उसमें से हम माइनस करेंगे वन फाइव टू ट्रिपल जीरो माइनस फिफ्टी थाउजेंड माइनस नाइन सिक्स डबल जीरो तो हमारे पास आ जाएगा नाइन टू फोर डबल जीरो टू बैलेंस कैरेट में इसको लिखेंगे ठीक है सो यहां पर इसका ये लेजर फिनिश हो गया ठीक है तो इसका जो बैंक है उसकी एक ही एंट्री है सो मैं वो भी आपको बताती हूँ वो कैसे करनी है फॉर्मेट विल बी द सेम डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट सो अब इसको इसके फॉर्मेट को कम्प्लीट कर देती हूँ छोटा सा ही है क्योंकि सिर्फ वन एंट्री जानी है तो मैं उस अकॉर्डिंग ही स्पेस छोड़ रही हूँ तो एंट्री विल भी सेकेंड जो हम रिकॉर्ड करेंगे सॉरी थर्ड जो हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नोट पेबल तो हम सिंपल यहाँ लिखेंगे टू नोट पेबल अकाउंट तो नोट पेबल अकाउंट के सामने अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड का तो फिफ्टी थाउजेंड यहाँ आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा बैलेंस कैरेट तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट फिफ्टी थाउजेंड ठीक है मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें सर्कल कर रही हूँ आपने एग्जाम में नहीं करनी है बस आप इन चीजों का ध्यान रखना है जो बैलेंस कैरेट वाले हैं मैंने सिर्फ उनको सर्कल किया है सो हमारा कैश अकाउंट बन गया हमारा बैंक अकाउंट बन गया सो मेन जो उसने कहा है पहले वो बना लेते हैं ठीक है जैसे परचेज अकाउंट कहा उसने और सेल्स अकाउंट हमारे क्वेश्चन में उसने कहा बनाने के लिए तो फिर अब नेक्स्ट में बना रही हूं परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट तो इसमें वो बिजनेस परचेज वाली ही एंट्री है सिर्फ वो ही जाएगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर हमें हर एक के लिए फॉर्मेट फिर से बनाना पड़ेगा ठीक है चाहे सिंगल एंट्री है पर फिर भी इनके फॉर्मेट्स फुल बनाने पड़ेंगे तो इसकी बिजनेस परचेज वाली है ठीक है आप परचेज ले सकते हैं या सिर्फ बिजनेस परचेज ले सकते हैं तो और कोई एंट्री बन नहीं रही है तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट दैट इज वन लैक फिफ्टी थाउजेंड और इतने का ही क्या होगा बाय बैलेंस कैरेट बाय बैलेंस कैरेट सो so नेक्स्ट हमारा सेल्स अकाउंट है सेल्स uh, अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ ये थी तो हम लिखेंगे बाय कै बाय कैश एंड बाय डेटर्स अकाउंट तो यहाँ पे सेल्स में लिखते हैं हम बाय कैश अकाउंट एंड बाय डेटर्स अकाउंट तो इनका अमाउंट आ जाएगा नाइन सिक्स डबल जीरो वन फोर फोर डबल जीरो और इसका टोटलिंग आ जाएगी आपके पास ट्वेंटी फोर थाउजेंड क्योंकि इसी की वो डिवीजन हुई हुई थी तो और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट दैट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड हेयर एंड ऑल्सो ट्वेंटी फोर थाउजेंड विल बी रिटर्न हेयर सो अगेन इन सब चीज़ों को सर्कल कर रही हूँ कैडेट वालों को ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम ट्रायल बैलेंस बनाए तो हमें डिफिकल्टी ना आए फिर उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट है सो so, कैपिटल अकाउंट में भी सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है फर्स्ट वाली दैट इज़ कैश अकाउंट अकाउंटल टू कैपिटल तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और इसका जो अमाउंट है दैट विल बी फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ पे हम इन दोनों को नीचे लिखेंगे कंप्लीट करेंगे अकाउंट को फिफ्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक है ये बैलेंस कैरेट सो कैपिटल अकाउंट भी हो गया कैश भी हो गया बिजनेस परचेज कैश खत्म बैंक ठीक है अब हमारे पास आ जाता है दैट इज नोट पेबल अकाउंट ठीक है सो नोट पेबल अकाउंट बनाने लगी हूँ नोट पेबल अकाउंट में भी सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है ठीक है जो कि हमारी जाएगी बाय कैश अकाउंट ठीक है और यहाँ पे अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड का ठीक है अगेन यहाँ पे हम कर देंगे टू बैलेंस कैरेट फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ पे अगेन इन दोनों को बैलेंस कर रही हूँ फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट इज रेंट रेंट की भी सिर्फ एक एंट्री में है रेंट इज हेयर रेंट अकाउंट एब टू कैश तो हम यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट टू थाउजेंड और यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट टू थाउजेंड नेक्स्ट इज डैट डैटस यहां पे हुए हैं फिफ्थ वाली एंट्री में तो बस डेटस का भी एक ही ट्रीटमेंट है डेटर्स का लिखेंगे अब हम डेटर्स के लिए उसने लिखा है डेटर्स के लिए जाएगा टू सेल्स उसके ऑपोजिट वाला ठीक है और उसके अमाउंट आएगा वन फोर फोर डबल ज़ीरो और यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरेट वन फोर फोर डबल ज़ीरो सो वन फोर फोर डबल जीरो न फोर फोर डबल जीरो ठीक है नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स सो क्रेडिटर में ये है ऑफिस सप्लाइज टू क्रेडिटर है तो हम लिखेंगे बाय ऑफिस सप्लाईज बाय ऑफिस सप्लाईज ठीक है ऑफिस सप्लाइज तो हमारा आएगा टेन थाउजेंड का यहाँ पे अमाउंट ठीक है और यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए भी टेन थाउजेंड लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है यहाँ पे भी हमने बैलेंस करना है टू बैलेंस कैरेट टेन थाउजेंड यहाँ पर भी आपका टेन थाउजेंड आ जाएगा ठीक है अगेन आई एम मार्किंग द बैलेंस कैरेट अमाउंट एंड लास्ट इज द ऑफिस सप्लाईज ऑफिस सप्लाइज में भी सिर्फ टू क्रेडिटर्स आएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट है टेन थाउजेंड ठीक है और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेट टेन थाउजेंड सो दिस विल बी द फुल फ्लैज लेजर आई होप यहाँ तक आपको लेजर uh, में कोई भी डाउट ना हो ये आपको क्लियर है अब हम इसका लास्ट दैट इज ट्रायल बैलेंस वो विद द हेल्प ऑफ लेजर वो हम कंप्लीट करेंगे सो so, मैंने यहाँ पे आइटम सारी सर्कल कर ली है तो सबसे पहले मैंने ये फॉर्मेट बनाया है आप भी ऐसे बना लीजिए अब मैं वन बाय वन इन सब चीज़ों के रिकॉर्ड करूँगी सबसे पहले मोस्टली कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे आ रहा है मैं वैसे ही कॉल रिकॉर्ड कर रही हूँ सो so, सबसे पहले कैश अकाउंट है तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिख रही हूँ यहाँ पे इसका डेबिट साइड पे ये आया था ना तो आपने लिखना है इस साइड पे बस ऐसे लर्न कर सकते हैं आप कि इधर आया है तो लिखेंगे अपनी क्रेडिट साइड पर तो नाइन्टी मैं यहाँ लिख रही हूँ फिर है बैंक बैंक का आया है इस साइड पे योर क्रेडिट दिस इज क्रेडिट साइड तो आप इसे लिखोगे इधर दैट इज़ फिफ्टी थाउजेंड हेयर सो यहाँ पे आप लिखोगे अपना बैंक अकाउंट तो नेक्स्ट हमारा है परचेज बिजनेस परचेज अकाउंट तो बिजनेस परचेज अकाउंट का आप अमाउंट देखेंगे दैट इज़ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ऑन क्रेडिट साइड सो यू विल राइट हेयर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है फिर उसके बाद है सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट आपका जो है वो इस साइड पे है तो आप लिखेंगे इधर ट्वेंटी फोर थाउजेंड है उसका अमाउंट ठीक है एंड देन कम अ कैपिटल कैपिटल इज कैपिटल इज फिफ्टी थाउजेंड वो भी इस साइड पे आ रहा है तो आप लिखेंगे इधर फिफ्टी थाउजेंड मोस्टली ये चीजें जो है लाइबिलिटीज हैं वो इसी साइड पे आती हैं ठीक है ठीके? बाकी कुछ चीजें हैं जिसका अमाउंट बाई चांस बैलेंस क्रेडिट हो जाए या डेबिट हो जाए बड़ा छोटा हो जाए तो उसको उसको करने का ये सबसे ईजी तरीका है फिर उसके बाद है नोट पेबल अकाउंट नोट पेबल अकाउंट का बैलेंस है दिस साइड आप लिखेंगे दूसरी साइड नोट पेबल नोट पेबल अमाउंट इज फिफ्टी थाउजेंड सो फिफ्टी थाउजेंड वी विल राइट हेयर नोट पेबल अकाउंट नोट पेबल अकाउंट नेक्स्ट इज रेंट रेंट इज टू थाउजेंड सो यू विल राइट हेयर टू थाउजेंड रेंट अकाउंट ठीक है एंड अदर इज डेटर्स सो डेटर इज फोरटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोरटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड यू विल राइट हेयर डेटर्स यहाँ पे आएंगे ठीक है टू डेटर्स अकाउंट और उसके बाद है क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स टेन थाउजेंड के दिस साइड डिटर्स अकाउंट एंड ऑफिस सप्लाईज अकाउंट टेन थाउजेंड सो वी विल राइट टेन थाउजेंड हेयर सो दिस इज ऑफिस सप्लाईज अकाउंट अब इनकी टोटलिंग करेंगे सो so, ये आपके पास आता है इसका टोटल आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है टू लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड दोनों साइड में ये आ रहा है मीन्स योर आंसर इज करेक्ट आई होप ये आपको क्लियर है और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में, में पोस्ट कर सकते हैं थैंक यू